अनबॉक्सिंग ज़ीरो वोल्ट स्लीपर्स। ये हमारा जो ज़ीरो वोल्ट स्लीपर जो हमने अभी लॉन्च किया है, ये इस पैकेज में स्लीपर्स जो हैं इस पैकेज में आती हैं। दिस इज़ अ ज़िपर बैग। इसके अंदर ये हमारी ज़ीरो वोल्ट सैंडल्स हैं, राइट। अब इसको देखते हैं इसमें क्या ख़ास बात है। इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि दिस ऑल एंटायर 70 सेंटीमीटर का जो स्ट्रिप है, ये एक सिंगल स्ट्रिप से ये पूरी की पूरी चप्पल जो है स्टिच हुई है। ये देखिए, यहाँ से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ एडजस्टेबल। यहाँ से एडजस्ट होते हुए देन इट गोज़ टू द अदर एंड, दूसरी तरफ जाते हुए यहाँ से ये देखिए निकलेगी एडजस्ट होते हुए, एंड देन ये यहाँ से सिरे से निकलते हुए ये टो की तरफ आती है, एंड देन जब ये दूसरी तरफ निकलती है तो इसको यहाँ से प्लग किया हुआ है, ये कॉपर की चिप के साथ जुड़ी हुई है। अब ये यहाँ से नॉन मूवेबल हो गई है। दूसरी एक और बात पे आप गौर कीजिए कि ये जो एंटायर स्ट्रिप है, इसकी लाइनिंग जो है अंदर कॉपर लाइनिंग है कोटेड विद टिन। तो ये जो लाइन है ये थ्रू आउट इस स्ट्रिप में रन करती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरी इंटरनल वायर जो है अंदर की तरफ से सारा कॉपर वायर जो है वो रन कर रहा है। और ये देखें इसको आप पहनेंगे कैसे। अब क्योंकि ये स्ट्रिप एडजस्टेबल है तो इसको आप अपने साइज़ के हिसाब से अंदर बाहर एडजस्ट कर सकते हैं, और आपको बस एक ही बार एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसको दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखें, ये आपने इसको एडजस्ट कर लिया, ये देखिए। और ये स्ट्रिप दूसरी तरफ में जो ये आपको एक बकल प्रोवाइड किया गया है, इस बकल के अंदर आप इसको इंसर्ट कर दीजिए, दूसरी तरफ से ये निकल जाएगा, एंड देन ये फिट हो गया। अब इसको आपको यहाँ से लॉक कर दीजिए, देखिए इसको हमने लॉक कर दिया अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, राइट। और बाकी स्ट्रिप जो है छूट गई। अब इस स्ट्रिप को, क्योंकि अब ये कन्वीनियंट है, इट इज़ ओके फॉर मी, एडजस्टेबल है, तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रिप है मैं अपने हिसाब से कैंची की हेल्प से मैं उसको काट लूँगी। अब और फिर इसे मैच स्टिक की फ्लेम से मैं इसको इस एरिया को प्लग कर दूँगी, ताकि इसमें से जो फाइबर्स वगैरह निकल के इस तरह से ये प्लग कर दिया मैंने इसे, एंड दिस स्लीपर इज़ रेडी टू यूज़। ये देखिए, दूसरा भी मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसका दूसरा पोर्शन, मैं इसको एडजस्ट कर रही हूँ दूसरे स्लीपर को। ये बकल, और ये प्लग, प्लग होके अब ये जो लास्ट में ये बचा है इसको हम काट के अपने हिसाब से कैंची से फिर प्लग कर देंगे। ये हमने प्लग कर दिया, ये देखिए, और ये बहुत ही खूबसूरत चप्पल इस तरह से ये एडजस्ट हो। ये वोल्ट मीटर है, और आप सबकी बॉडी में कोई ना कोई वोल्टेज होती है एट दिस टाइम आल्सो। कितनी वोल्टेज है कोई देखना चाहेगा? आप देखना चाहेंगे? ये तार आगे नहीं आएगी, आइए आइए, आ जाएगी ना थोड़ा सा, ठीक है ठीक है। अब आप लाल वाले को अपने हाथ में पकड़िए, लाल वाले को अपने हाथ में पकड़ रहे हैं तो आपका जो बॉडी का वोल्टेज है दैट इज 0.027, दिस इज द वोल्टेज ऑफ योर बॉडी। याद रखिए, जब बॉडी में बैठिए, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग देयर। एक ही एग्जांपल से काफ़ी होगा, हमें बहुत कुछ करना है, इसके बाद आराम से कर सकते सब लोग, लेट मी कंप्लीट, तब बैठिए, बैठ जाइए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जब आपके बॉडी में वोल्टेज होगा, जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा
उतनी आपकी इम्यूनिटी कम होगी, और जितनी इम्यूनिटी कम होगी नीडलेस से उतना बीमार रहेंगे। अगर इनकी इम्यूनिटी मुझे बढ़ानी है तो इनके बॉडी के वोल्टेज को मुझे जीरो करना पड़ेगा, जीरो वोल्टेज। कितना वोल्टेज है अभी? 29। कितना करना पड़ेगा? जीरो। ठीक इसी तरह से आप जब टेस्ट करेंगे इस लेक्चर के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं बारी बारी से, बिकॉज मैं देख रहा हूँ क्यूरियोसिटी है, ठीक है ना। तो इनके बॉडी को जीरो करने के लिए, वोल्टेज को जीरो करने के लिए आप चल के आइए, आप वहीं रहिए, आप चल के आइए, अपने इसके ऊपर पैर रख दीजिए, जरा पैर रखते अब कितना वोल्टेज हो गया? जीरो वोल्ट हो गया। दिख रहा है जिनको? दिख रहा है। अब वापस आइए यहाँ पे, अब कितना वोल्टेज है? दोबारा बढ़ गया, पहले इतना हो गया। तो सिंपली आप क्या कर रहे हैं? दोबारा वहां जाइए, जीरो जीरो आ गया, राइट। तो जीरो वोल्ट कैसे हुआ? क्योंकि आप अर्थ से कनेक्टेड है। कैसे हुआ? क्योंकि अर्थ से इलेक्ट्रिक इनके बॉडी में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है बॉडी में। तो ये जो आपके नीचे जो योगा मैट लगे हुए हैं, ये स्पेशल पर्पस है। सॉक्स उतार के, जूते उतार के पैर उसमें रखिए, राइट। तो आप जीरो वोल्टेज पे, सब लोग इस वक्त, ऑल ऑफ यू आर एट जीरो वोल्टेज एट दिस मोमेंट। रात को जब सोते हैं तो आपकी वोल्टेज कितनी उस वक्त? अभी योगा ये बेडशीट पे जीरो वोल्टेज। तो ऐसे में नींद अच्छी आती है, ऐसे में पेन चला जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, घाव ठीक होने लगता है। अब मान लो मुझे अपना वोल्टेज देखना हो तो मेरा वोल्टेज भी लगभग इनके वोल्टेज इतना है, 23। मैंने चप्पल पहना हुआ है, अगर चप्पल पहन के मैं पैर रखूं, देखें आप कितना हो गया? जीरो हो गया, है ना, जीरो हो गया। मैंने तो चप्पल पहना हुआ है, मैंने ना जुगाड़ किया है, मेरे चप्पल अगर देखेंगे तो मेरे चप्पल के नीचे एक तार लगा दिया है और वो तार इनके तार से कनेक्ट होता है। तो मैंने अपने लिए चप्पल ही बना दिया कि मुझे चप्पल भी ना उतारना पड़े। घास पे जब चलेंगे आप तो नंगे पैर चलना पड़ेगा, लेकिन अब हमारी आदत तो है नहीं नंगे पैर चलने की। आइडिया तो ये है ना कि घास से मैं कनेक्ट होना है, तो मैंने अपने लिए चप्पल बना दिया और चप्पल के नीचे अगर देखेंगे कॉपर का एक वो तार है, देख रहे, एक चिप है और वो एक तार से कनेक्टेड है और वो तार मेरे फीते में लगा हुआ है। तो जुगाड़ हो गया, किसको चाहिए? अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।